give a round of applause to the man himself, the fitness enthusiast, my favorite fashion model, Mr. Milind sir. Oh my God, sir, I am so pleased, and can you just pinch me as if I'm actually getting so many goosebumps. I don't know what to say. It's like a Greek god standing in front of me. Yeah, please. Or maybe just slap me at the back. Okay, ladies and gentlemen, presenting Mr. Milind Somar. Thank you, thank you. कैसे हैं दीपक जी? बहुत जोर. क्या किया आज? हाँ, स्पाइडर पुशअप्स किए. स्पाइडर पुशअप्स किए. इन्होंने क्या किया? तालियां बजाई इन्होंने. You want a picture? You want a picture? You want a pinch? You want a picture? You want a photograph? You have to do 10 push-ups. You have to do 10 push-ups. Oh my God. Okay. No, you can't. Madhira, Madhira. Oh my God, sir has given me like a challenge. No, it's not a challenge. What's your name? Priyanka. So Priyanka ji ko ek photo chahiye. तो उनको पुशअप्स करने पड़ेंगे, ठीक है ना? आप तालियां बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? उनको थोड़ा इंकरेज करो. शी हैज टू डू 10 पुशअप्स बिकॉज एनीबडी वांट्स अ पिक्चर. 20 फॉर बॉयज, 10 फॉर गर्ल्स. स्टार्ट. सर, आई एम वेरी बैड एट पुशअप्स. आई विल ओनली डू ऑन वन कंडीशन, इफ यू आर जॉइनिंग मी. आई विल हेल्प यू. आई विल ओनली जॉइन तिरुपति. कम ऑन, स्टार्ट. पुट योर हैंड्स ऑन द ग्राउंड. लेट्स सी हाउ बैड यू आर. आई एम श्योर यू आर वेरी गुड. You want to take off your glasses? अगर गिर गए तो बहुत महंगे लगते हैं. नहीं, मुझे नहीं, मैं भाग ले जाऊंगा देखे. अच्छा, स्टार्ट. वन, वेरी गुड. टू, कैसे? हाउ द पुशअप्स? थ्री, फोर, फाइव, लोअर लोअर, सिक्स. हाँ, कितने नीज, कितने नीज ऑन द ग्राउंड, कितने नीज ऑन द ग्राउंड, नो प्रॉब्लम. सेवन, एट, 9 and 10. Fantastic. तालियां बजाओ. Excellent. ये रोज करो, फायदा होगा. क्या होगा? Sir, I'm coming. क्या होगा? फायदा होगा. 63 year old. नमस्ते. क्या किया? 25 push-ups. मैं हाथ मिला सकता हूँ आपसे? बहुत बहुत बढ़िया. 65. I'm 5 years younger than you. Huh? You're also 65. You don't look 65. 25. 22. 55. 55. Fantastic. आपका फोन क्या है? Where? All where? Where's your phone? Somebody has kept it. अरे Yeah, to take your picture on your phone. लेके जाइए, वापस आ जाइए. सॉरी, वॉज दैट योर वीडियो ऑफ द होल इवेंट? ऑप्स. ऑलराइट, क्या करना है अभी यहाँ पे? यू वांट टू आस्क मी सम क्वेश्चन? डेफिनेटली सर, आई हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आई विल बी थ्रोइंग, एंड ऑफ कोर्स आई हैव बीन मेकिंग एवरीवन डू द push-ups. Sir have given me the challenge, which I am pretty sure was very bad at it. Oh, you have? Sir, you told people to do push-ups? I was doing the push-ups. आपने अपने किए? क्या मिला आपको? अरे कौन? She's waiting for you, sir, to grab the goodies. Oh, there are goodies? Yes, of course. Where are the goodies? We might give them at the end of the show. Might give. लालच, लालच दे रहे goodies के, लालच. किसको फोटो चाहिए? फोटो चाहिए push-ups के. हाँ, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ पे करो. लाइन में दो 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 दो. हाँ, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन. इनका तो हो गया. इलेवन, ट्वेल्व, अरे ज़्यादा कर दें. थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, 1920. मल्टीविटामिन टैबलेट्स तो मैं बचपन से ले रहा हूँ. जब मैं छोटा था, मैं स्विमिंग, कंपेटिटिव स्विमिंग करता था, कंपटीशन में स्विमिंग करता था, और बहुत ज़्यादा मैं स्विमिंग करता था उस समय.
कम से कम 65 किलोमीटर हफ्ते में मैं स्विमिंग करता था, तो उस समय एक ज़रूरत थी सप्लीमेंट्स की। उसके बाद जब 23 साल में मैंने स्विमिंग छोड़ दी, उसके बाद मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया डाइट के ऊपर या विटामिन्स के ऊपर या ऐसी कोई चीज़ें। लेकिन हाल ही में मैंने बहुत सुना है इसके बारे में कि जो भी हमारा वेजिटेबल्स जो आते हैं, सब्जियां जो आती हैं, उसका जो क्वालिटी है, उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत कम हो गई है, और जो विटामिन्स मिनरल्स हमको मिलने चाहिए वो शायद हमें उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं मिलते जितने में मिलनी चाहिए। सो कभी कभी ज़रूरत होती है सप्लीमेंटेशन की, और अगर आपके डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर बोलेंगे कि आपको इसकी कमी है, इस विटामिन की कमी है, इस मिनरल की कमी है, और आपको एक सप्लीमेंट की ज़रूरत है, विटामिन सप्लीमेंट की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है इसके ऊपर कि ये ब्रांड मेरे लिए सबसे अच्छा ब्रांड है। मैं इनकी फैक्ट्री में भी गया हूँ, मैं इनके ब्रांड के पीछे जो लोग हैं उनसे भी मिला हूँ, और उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये अच्छा ब्रांड है, उनका प्रोडक्ट अच्छा है। वेलमैन मल्टीविटामिन मैं लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ़ायदा हुआ है। युवाओं को मैं सबको कहना चाहूँगा कि सेहत की आप रक्षा करो, सेहत के लिए कुछ थोड़ा सा समय दिन में निकालो। सबको लगता है कि बहुत करना पड़ता है, जिम ज्वाइन करना पड़ता है, दो दो घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है। मैं कहना चाहूँगा कि मैं काफ़ी फिट हूँ, मैं डेफिनेटली हेल्दी हूँ, मेरा कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, कोई डाइटिशियन नहीं है, मैं जिम में जाता नहीं हूँ, कभी मैंने कभी जिम ज्वाइन भी नहीं किया। मैं घर पर एक्सरसाइज करता हूँ 10-15 मिनट रोज़, लेकिन रोज़, और 10-15 मिनट मैं समझता हूँ कि हर कोई दे सकता है अपनी सेहत के लिए, जबकि हम जानते हैं कि सेहत सबसे अहम चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जिस तरह हम समझते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है या इसमें बहुत समय जाता है, ऐसा नहीं है। इस पर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा सोचना इसके बारे में डेफिनेटली ज़रूरत है, और कोई भी एज में आप सेहत का ख्याल करना शुरू कर सकते हैं। मेरी माँ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, वो आज 85 साल की है, 85 ईयर्स की हैं, वो आज भी हाइकिंग के लिए जाती हैं, ट्रेकिंग के लिए जाती हैं, एक्सरसाइज हर रोज़ करती है, योगा करती है, और जो भी वो करना चाहती है, स्विमिंग करना चाहती है स्विमिंग करती है, पहाड़ चढ़ना चाहती है पहाड़ चढ़ सकती है, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो थोड़ा सा समय अपने सेहत के लिए देती है। सर, बॉलीवुड में आप काफ़ी सालों से आए हैं फिल्में की जी, आज के दौर में बहुत सारे एक्टर जो 40 ईयर्स क्रॉस करते हैं उनको कार्डियक अरेस्ट में डेथ हो जाती है, अभी बहुत सारे विकास रेड्डी की डेथ हुई है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे जो और एक्टर हैं? एक्टर तो बहुत कम है हमारे देश में, अगर आप देखेंगे कि पब्लिक कितनी ज़्यादा है, तो मैं इतना ही कहूँगा जब आप कोई भी चीज़ नई शुरुआत करेंगे तो उसको धीरे धीरे शुरू करना है और धीरे धीरे बढ़ाना है, और उसे सीखना है कि सबसे अच्छे कार्य अपने लिए कौन से अच्छे हैं, खाना कौन सा अच्छा है, ये सीखना ज़रूरी है। एक्सपर्ट के पास जाना इतना ज़रूरी नहीं है, खुद सीखना अच्छा है और अपने ऊपर एक्सपर्टीज़ खुद पाना ज़रूरी है। लाइक आई एम माई ओन एक्सपर्ट, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जानता मेरे बारे में, कोई डॉक्टर नहीं, कोई साइंटिस्ट नहीं जो मेरे से ज़्यादा मेरे बारे में जानता है, तो ये ज़रूरी है, ये जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। एज वाइज सर, जो हम लोग वर्कआउट करते हैं, क्या करते हैं वर्कआउट जो करते हैं वर्कआउट, हाँ, एज वाइज उसके लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप बच्चे को, महिलाओं को? नहीं, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने कहा, एकदम धीरे शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है और धीरे धीरे उसको बढ़ाना बहुत बहुत ज़रूरी है, और उस कोशिश में सीखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पूछिए। मेरा नाम है त्रिपत सिंह, मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, मोहाली से। एज है मेरी 79 प्लस, 80 होने वाला हूँ 3 महीने के बाद, और फिटनेस के लिए जुनून की ज़रूरत होती है, सबसे माइंड स्ट्रॉन्ग माइंड की ज़रूरत होती है, और डाइट और बैलेंस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं और नींद पूरी लेते हैं और डाइट पे कंट्रोल है, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी दवाई की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये अगर फिटनेस के लिए हम ये बोलते हैं मल्टीविटामिन लेने हैं, तो इसलिए क्योंकि फटीग होती है, वो हमारे अंदर एज के बाद कुछ टाइम के बाद मिनरल और विटामिन की कमी होने लगती है,
तो ये आप अगर आपको लगता है कि आपकी फटीग होती है, जल्दी थक रहे हैं, तो आप मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं। विटामिन आप भी लेते हैं? हाँ मैं ले रहा हूँ, मैं 70 प्लस का लेता हूँ। कितने सालों से ले रहे हैं? मैं पिछले 4-5 साल से ले रहा हूँ। जैसे आपने मल्टीविटामिन ले, आज देखो सुबह से एक्सरसाइज जल्दी, पहले मैं जिम गया सवेरे, पहले दूसरे माल में भी एक्सरसाइज लगाई, याद में सबसे ज़्यादा लगवा चुका था आपके आने से बहुत पहले, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपकी तंदुरुस्ती बस, तंदुरुस्ती बस, डिसिप्लिन चाहिए बस, और कुछ नहीं। डाइट डाइट पे मैं लाइफ में कभी नॉन वेज नहीं खाता, प्योर वेजिटेरियन हूँ, कोई इवन मिल्क प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं करता, वीगन हूँ। तो थोड़ा सा लोगों को लगता है डिफिकल्ट है ऐसा, अगर आप माइंड में अगर है कि आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। I'm Tej Prakash. I am business head OTX for Mayer Vita Biotics India. जी हमने यहाँ पे वेलमैन चैलेंज किया है, वेलमैन के ब्रांड मिर्जा मिलिंद सोमन जी हैं, उनको यहाँ पे बुलाया है। और आज के डेट में हेल्थ एंड फिटनेस का क्या इंपॉर्टेंस है, उसके लिए मिलिंद जी को यहाँ पे बुलाया है। और आप जैसा देख सकते हैं कि मिलिंद जी के साथ सब लोग मिलके फिटनेस चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं, पुशअप्स कर रहे हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि वेलमैन ब्रांड बिलीव करता है हेल्थ एंड फिटनेस में। वेलमैन एज ए ब्रांड इज वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड इन द कंट्री, दैट इज़ फ्रॉम मायर वाइटाबायोटिक्स विच इज़ नंबर वन मल्टीवाइटमिन एंड न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी इन UK, एंड वी आर देयर इन 110 कंट्रीज। Our brands are number one in many European countries, and also in India we have Wellman 50 plus, we have Wellman 70 plus. These brands are leading brands in the country, and we are here to promote health and wellness amongst everyone. ये प्रोडक्ट्स पैन इंडिया अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं सब जगह अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स पैन इंडिया हैं, वी बीन देयर इन इंडिया फॉर मोर देन 40 इयर्स, एंड वी आर वन ऑफ द लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी इन द कंट्री, एंड वेलमैन एज ए ब्रांड इज वाइडली अवेलेबल, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन द कंट्री। पहले हमारे विराट कोहली जी ब्रांड एम्बेसडर थे, अभी हमारे मिलिंद सोमन जी ब्रांड एम्बेसडर हैं। देखिए वेलमैन जो एक ब्रांड है, इट प्रमोट्स हेल्थ एंड वेलनेस। आज के डेट में बिजी लाइफस्टाइल में सभी के पास अपना डाइट प्लान करने का समय नहीं होता, तो लार्जली होता क्या है, देर आर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन आवर बॉडी। तो वेलमैन क्या करता है, जो भी बॉडी में डेफिशिएंसीज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है, वेलमैन हैज़ मोर देन 21 मल्टीविटामिन एंड मल्टीमिनरल सप्लीमेंट। सो वेलमैन एज ए सप्लीमेंट ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल करता है। इट इज़ नॉट ओनली फॉर जिम गोअर, बट इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ फॉर एनीवन हु इज़ वर्किंग, इट इज़ ऑल्सो फॉर एवरीवन हु इज़ housewife or also somebody who's retired, because we also have Wellman 50 plus and Wellman 70 plus. It is a product for all age and stage of life.